नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज 19 सितंबर से होने जा रहा है। लगातार अपडेट समाप्त तक पहुंचाते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। दरअसल एमएस धोनी का इंतजार हर कोई कर रहा है। क्रिकेट फैंस पिछले 13 महीने से टकटकी लगाए बैठे हैं कि कब माही के दर्शन होंगे और कब माही का बल्ला गरजेगा। दरअसल पिछले साल विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल मुकाबले के बाद से धोनी टीम इंडिया के लिए भी नहीं खेले और कोई भी डोमेस्टिक मैच भी खेलते हुए नजर नहीं आए। इसके बाद मार्च में लॉकडाउन से पहले थोड़ी सी उन्होंने सीएसके के लिए प्रैक्टिस की, आईपीएल में वापसी के लिए तैयार थे, फिर लॉकडाउन हुआ और अब दोबारा आईपीएल होने जा रहा है। थैंक गॉड इस महामारी के बीच में बायो सिक्योर बबल का एक आइडिया आया है जिसने क्रिकेट को वापस उस ट्रैक पर लाया है और आम जिंदगी भी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है क्योंकि लोगों को पता है कि कोरोना के साथ अब आपको जीने की आदत डालनी होगी। हालांकि अब बात करते हैं एमएस धोनी की। दरअसल एमएस धोनी और उनकी पूरी टीम जबरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस के दौरान एक छोटा सा प्रैक्टिस मैच खेला गया CSK 1 vs CSK 2 के बीच में और यहां पर महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला जमकर गरजा। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि एमएस धोनी ने एक ऐसा छक्का मारा था जो स्टेडियम पार गिरा था। इस बीच खबरें हैं कि उस प्रैक्टिस मैच में महेंद्र सिंह धोनी नंबर 3 पर उतरे थे और नंबर 3 पर उतरकर उन्होंने जो तबाही मचाई है, जो वो लंबी लंबी हिटे मार रहे हैं, एक बार फिर उनका एक शानदार रूप देखने को मिला। एमएस धोनी ने 113 रनों की नाबाद पारी खेली। महज 48 गेंदों का उन्होंने सामना किया जिसमें 7 छक्के शामिल थे और 7 चौके शामिल थे। बड़ी बात यह है कि एमएस धोनी का यही अंदाज देखने के लिए फैंस जो है वो बेताब हैं और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि एमएस धोनी का रौद्र रूप, जो हम आईपीएल में अलग तरीके का अवतार एमएस धोनी का देखते हैं, वो एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि अब धोनी का जो इंतजार उनके फैंस कर रहे हैं उनके अंदर एक बार फिर एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं भाई, ये टीम जो है ये इस बार कुछ करके दिखाएगी, थाला इस बार कुछ करके दिखाएंगे। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार। We'll be right back.